हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल माहेश्वरी। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है वादी हर्बल्स पे। मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे 1 महीना पहले एंड मैं उनको तब से कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ और आज मैं उनका रिव्यू दूँगी। सो इट्स बेसिकली रिव्यू वीडियो रेदर देन अ अनबॉक्सिंग वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई फर्स्ट प्रोडक्ट। This is a Vaadi Herbal Deep Pore Cleansing Milk with Lemon Extract. It's a cleansing milk and the container is of 350 ml and it cost me rupees 155. अभी बीच में इसका प्राइस कम हुआ था, but अगर आप आज शॉप करने जा रहे हैं तो इसका प्राइस वापस से 155 हो गया है। सो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं उनके लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने इसको यूज़ किया है एंड लेट मी पम्प फॉर यू समथिंग। इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं थी कि लाइक अदर पम्पिंग जो कंटेनर्स होते हैं वो एक स्लाइड बंद होती है, लाइक हमें फर्स्ट टाइम उसको ओपन करना पड़ता है। बट जो कंटेनर मुझे मिला था वो ऐसा ही मिला था, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये स्पिल आउट भी हो सकता था प्रेस होके। और सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है कंटेनर का कि इसका कोई ऑन ऑफ नहीं है, आप कहीं से भी इसको लाइक यूज़ कर सकते हैं। बट बात करें हम इसके प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस। लाइक यू नो नीड टू टेक टू मच अमाउंट ऑफ क्लिनजिंग मिल्क एंड इट हैज़ अ वेरी लेमनिश फ्रेगरेंस। ओह माय गॉड, मज़ा आ जाता है। आपको लगेगा कि आप लाइक फुली रिफ़्रेश हो गए, जैसा कि ये बॉटल बोलती है, यू फील रिफ़्रेश आफ्टर यूजिंग दिस। तो मेकअप रिमूव करने के बाद आपको बहुत फ्रेश फीलिंग आने वाली है इसको यूज़ करने के बाद। गाइस, इट पॉकेट फ्रेंडली है सबसे अच्छी चीज़ एंड फंक्शनैलिटी वाइज इट इज़ अ थम्स अप प्रोडक्ट। सो माय सेकंड प्रोडक्ट इज दिस द क्यूट कंटेनर। इट्स अंडर आई क्रीम। गाइस, ये क्रीम है 30 ग्राम्स का पैकेजिंग है एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली अभी क्या प्राइस है इसका। मैंने इसको उस टाइम पे सेल में लिया था। इट कोस्ट रुपीज 68। ना, इसका प्राइस बढ़ गया है, मेरा ये 52 का था। एंड ये बहुत सुंदर एक कंटेनर में आती है। लेट मी शो यू। इस तरह का कंटेनर आता है, लाइक बहुत क्यूट सा कंटेनर है। कंटेनर अपने आप में बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर इसको फिट किया है। इस पर क्लिड था बहुत अच्छा, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। अगर आप इसको ट्वाइस अ डे यूज़ कर रहे हैं ना दिन में, और इसको इतना थोड़ा सा अमाउंट में लगाना है कि लाइक ये कंटेनर मुझे लगता है मेरा 1-1.5 महीना और जाने वाला है। तो इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली प्लस इट इज़ अफेक्टिव। सो इट इज़ ऑल्सो थम्स अप फॉर मी। इट हैज़ आमंड ऑयल, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, बोथ आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड आमंड इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर आइज, जो कि हमें पता है। सो दिस इज़ ऑल्सो थम्स अप। एंड अगेन देर इज़ अनदर क्रीम। इट इज़ अ फुट क्रीम विद क्लोव ऑयल एंड सैंडलवुड। सेम कंटेनर है, सिर्फ कलर से आप पहचान सकते हैं। लाइक अगर आप वादी हर्बल्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, यू कैन नो इट्स आई, इट्स फुट। इसका टेक्सचर उससे थोड़ा ज़्यादा वो है, थोड़ा डेंस, ये है लिक्विडी। एंड लुक एट दिस कलर गाइस, ये पूरा फिल हुआ आया था एंड इसका फ्रेगरेंस बहुत ही लाइक कहना कि स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बम्प आउट होता है। इट हैज़ क्लोव ऑयल एंड सैंडलवुड एंड गाइस दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। इसका भी वर्किंग वेरी नाइस है, लाइक जैसा अंडर आई क्रीम का है वैसा ही इसका है। इट वर्क्स वेल अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो। एक्चुअली मैंने अपने पैरों के लिए इसको मंगवाया था और यूज़ भी किया है और अभी भी कर रही हूँ। सो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इज सेम एज अभी इसका भी प्राइस बढ़ गया है। द थर्ड इज़ ऑल्सो क्रीम। इट्स अ फेयरनेस क्रीम विद सैफरन, एलोवेरा एंड टर्मरिक। ये भी 30 ग्राम्स का है, सेम कंटेनर है, सब कुछ सेम है। इसका टेक्सचर अलग है, अगर आप देख सकें, थोड़ा शिमरी है। ये फेयरनेस है तो आपको शिमरी जैसा कुछ मिला है इसमें। फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी है। गाइस, मेरी स्किन नॉर्मल है बट फिर भी ये मुझे सूट नहीं किया। दिस इज़ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट फॉर मी, लाइक मेरे स्किन टोन के लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग फेयर एंड लवली को यूज़ करते आ रहे हैं और कर रहे हैं ना, उनके लिए इट्स अ थम्स अप। सो ये प्रोडक्ट मेरे इतना यूज़ नहीं आया, मुझे एक दो बार यूज़ करने पे बहुत ऑयली जैसा लगा एंड आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, बट ठीक है क्वालिटी अच्छा है इसका। एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज़ एंटी एजिंग क्रीम विद आमंड, वाइट ग्राम, रोज़ एक्सट्रैक्ट। इस सबका टेक्स्चर अलग है, कलर अलग है। लुक एट दिस कलर, दिस इज़ वेरी क्यूट। इसका टेक्स्चर बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छा है। अप्लाई करने पे यू डोंट फील हैवी एंड फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो ऑसम। एंटी एजिंग है, पता नहीं मैंने क्यों मंगवाया, बट हाँ इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसको यूज़ करने में मुझे मज़ा आया एंड इट्स ऑल्सो अ थम्स अप फॉर मी। जो बेसिकली मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है फुट एंड अंडर आई क्रीम्स। दीज आर लाइक, अंडर आई क्रीम इज़ लाइक माई above all in Vaadi Herbals, above all. So these are the four cute containers. ये 50-52 के थे सभी, अभी 68 के हुए हैं। एंड नायका पे कुछ कुछ टाइम में सील आती रहती है, अगर आप तभी भी कभी भी ऑफ़र देखेंगे आपको मिल जाएगा वो कम प्राइस पे। साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी सेंड कर दूँगी। अभी भी ऑफ़र्स चल रहे हैं बट प्राइस पे नहीं है, आधा ऑफर्स हैं तो आप ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस नेल एंड क्यूटिकल ऑयल विथ जोजिबो ऑयल, और ये भी गाइज उतना ही क्यूट है दिखने में और फंक्शनैलिटी वाइज बहुत अच्छा है। 10 ml प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कॉस्ट रुपीज़ 55। इसका प्राइस 55 था, अभी भी 55 ही है। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी वो है द फंक्शनैलिटी। सी इट हैज़ अ रोल ऑन इन इट एंड मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ से आपको पता चलेगा। आपको थोड़ा शिमरी लग रहा होगा यहाँ पे। आपको सिंपली नेल्स के ऊपर अप्लाई करना है लाइक दिस एंड यू आर गुड टू गो। यू डोंट नीड कॉटन या कुछ भी अलग से चाहिए। एंड वेरी क्यूट एंड हैंडी, सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है। स्पिल आउट नहीं होता, कुछ नहीं होता। कंटेनर इज़ ऑफ प्लास्टिक, सो नो नीड टू वरी कि गिर जाएगा, टूट जाएगा। सो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड इट्स अ थम्स अप फॉर मी। After that guys, I have two cute lip balms of different variants. One is a strawberry lip balm, the other is orange lip balm. Strawberry lip balm says it's ultra moisturized lock. ये आपके moisturizer के जैसा काम करेगा, आपको moisturize करवाएगा। And this is renewal therapy. Renewal therapy is orange and lemons का actually basic काम यही होता है कि जो आपका deadness है उसको वो relief देता है। So बात करें फ्रेगरेंस की, बहुत अच्छी है। 6 ग्राम प्रोडक्ट्स हैं दोनों एंड इसका 10 ml 10 ग्राम्स का टब भी आता है, 6 ग्राम्स का भी आता है। तो अवेलेबल उस टाइम पे 3 ग्राम्स वाले थे। तो दिस इज़ ऑफ कॉस्ट 30 रुपीज़। एंड अगर हम बात करें, ट्रांसपेरेंट है, स्वॉच भी आपको इसका नहीं पता लगेगा, यू सी। और बिल्कुल हैवी नहीं है लगाने पे, नथिंग, एंड इट वर्क वेरी वेल। These are the cute packets of joy. Like the people who love lip balms, you can give experiment. इसमें लीची वेरिएंट है, ब्लैक है, ब्लैकबेरी है, मिंट है, मतलब आपको 4-5 वेरिएंट्स मिल रहे हैं इतना कम रेंज में। So this is also thumbs up for me. And my last product from this Vaadi is this elbow foot knee scrub soap. Guys, this soap मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा बाय है। इट्स अ 75 ग्राम प्रोडक्ट एंड इट कोस्ट में रुपीज़ 32। अभी इसका प्राइस में भी थोड़ा बढ़ गया, 35 हो गया है। एंड इट सेज रिमूव डर्ट, डार्क स्पॉट्स एंड डेड सेल्स। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्चर है ना वो स्क्रबी है। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो यू फील लाइक यू आर अप्लाइंग द स्क्रब एंड इट इज़ अ सोप। तो सोप फॉर्म में स्क्रब आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, पॉकेट फ्रेंडली है एंड इट वर्क्स वेरी वेल गाइज। यू नो नीड टू टेक सेपरेट स्क्रबर और एनीथिंग एल्स, ह्यूमिक स्टोन एंड ऑल। यू जस्ट वॉश योर फीट्स, योर एल्बोज एंड यूर गुड टू गो। सो दीज आर ऑल माई प्रोडक्ट्स फ्रॉम Vaadi Herbals. And the only product I don't like is this fairness creams. It's not कि मुझे पसंद नहीं है तो ये अच्छी नहीं है। मेरे स्किन टोन पे ये सूट नहीं हुई है, लाइक मेरी स्किन के ऊपर इसको नहीं फ्रेंडली होना था आई गेस, तो ये नहीं हुई है। और अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल वर्किंग गुड, जैसा बोल रहे हैं वैसा है, नेचुरल है, गुड है। एंड द वेरी बेस्ट थिंग इज़ कि इट्स दे आर पॉकेट फ्रेंडली। सो गाइज, this is my review about the Vaadi herbal products. Thank you very much, and please like my video, share my video, and see you in the next video. Bye bye.